नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिक्के वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जहां से कि अक्सर SSC CHSL एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक पता नहीं होती। और अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप आसानी से इसे मात्र 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:7:9 है। यदि थैले में कुल 430 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सबसे बेटर अगर मैं तरीका बोलूँ तो आप इसमें अगर ऑप्शंस, बिकॉज एग्जाम्स में तो ऑप्शंस होते ही होते हैं, तो आप देखो दे रखा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास। इनका रेशियो दे रखा है 5:7:9। तो आप डायरेक्टली क्या करो कि आप देखो कौन कौन से हमारे ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल है, तो सारे हैं। अब 7 से देखो, तो 7 से डिविजिबल सेकेंड वाले में आपको देखने 50 पैसे के, तो बस 2 ऑप्शन है। अब देखो 9 से तो बस 1 ऑप्शन है, तो आपका सीधे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये होता है आपका इजी वे। आप सीधे देखो कि कौन कौन सा हमारा इससे कट रहा है, कौन सा ऑप्शन अच्छे से हमारा कट रहा है, वही हमारा आंसर हो गया। अब बात यह है कि अगर हमारा इस तरीके से नहीं सॉल्व हो, ऑप्शन से हमें कटे नहीं, तब हम क्या करेंगे? ऑप्शन हमारे कटने वाले 2 हो जाए तब हम क्या करेंगे? ये सारे भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये हमारा नंबर दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखा है 5:7:9। तो अगर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास 430 रुपये है, तो आपको क्या करना है, इसका मूल्य निकाल लो, प्राइस निकाल लो। अगर 1 रुपये के हमारे पास 5 सिक्के रहेंगे तो कितने रुपए हुए? तो 5। अगर 50 पैसे के 7 सिक्के रहेंगे तो हमारे पास कितने रुपए होंगे? तो 50 पैसे के 7 सिक्के रहेंगे तो हमारे पास हो गए 3.5 रुपये। और अगर 25 पैसे के हमारे 9 सिक्के रहे तब हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे? तो हमारे पास 9 को हमने 4 से भाग कर दिया, तो 4/9 किया, 2 टाइम्स किया, तो 8, फिर 1 और फिर 0.0, 4×2=8, फिर 2, फिर 0, तो हमारे पास आ गया 2.25 रुपीज़। ये हमारा इनका मूल्य आ गया। अब हमें दे रखा है कि कुल 430 रुपये है, बट यहाँ पे हमारा कितना रहा है कि हमारे पास कितने रुपए हो रहे? तो 5, 5×2=7, 3×2=5, 5×5=10, 10.75। तो 10.75 यूनिट बराबर हो गया किसके? तो 430 रुपये के, 430 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो रहा है? तो इक्वल टू आरेश 430/10.75। अब हमें सारी संख्याएं पूछ रही है, तो अगर 1 रुपये की पूछे तो आप 5 से मल्टीप्लाई पहले कर लो, और यहाँ से हमने 00 ऊपर कर दिया। अब आप इसे कट करोगे, हमने किया सबसे पहले 5 से, तो 5×2=10 हो गया, फिर 1 टाइम्स, फिर 2×5, फिर 25 हो गया। अब हमने किया तो 215, ये 2 टाइम्स हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया कितना, तो 200, सॉरी ये आपका 200 आ गया सिंपली। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारे पास 1 रुपये के आ गए। इसी तरीके से आप सारे को निकाल सकते हो। फिर आपका बोल रखा है 7 है, तो 7 यूनिट बराबर भी हम निकाल सकते हैं। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 430 बटा आपका क्या था 10.75, यहाँ से हमने 00 ऊपर कर दिया था, मल्टीप्लाई बाई आपका 7 हो गया। अब आप इसे भी कट कर सकते हो सिंपली। आपको ईजी क्या है कि आप यहाँ से ही इसे 25 से कट कर दिए, तो 25×100, और इसे 25 से किया तो 25×100, फिर 7×25=75, 43×10। अब हमारे पास कितना आ गया, तो 280। उसी तरीके से आप 5 यूनिट के बराबर भी निकाल सकते हो, 9 यूनिट के बराबर भी निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, अगर हमारे ऑप्शंस में 2-3 आ जाए तो, बट अगर ऑप्शंस में 2-3 नहीं आए तो आपके लिए सबसे ईजी क्या है कि आप ऑप्शन में देख लो कौन सा डिविजिबल है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, इनकी कीमत का अनुपात दे रखा है 30, 11 और 7, और कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। हमने क्या बोला कि हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के। रेशियो आपका कितना है, तो 30, 11 और 7। अब आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों वाले में रेशियो कितना है, 11। अब 11 कौन से ऑप्शन से डिविजिबल हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी से, तो 132 आपका इजी वे में आ गया। आप इसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करो तो सेम वे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है, जिनकी कुल रकम 180 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है 50 पैसे, आपके ऑप्शन 50 पैसे की 3 है। अब 3 देख रहे हैं कि हमारे सारे से डिविजिबल है, यानी वो रूल हमारा नहीं करेगा।
तो हम दूसरे रूल से इसे देखेंगे कि हम अगर ये रूल नहीं काम करे तब क्या करेंगे। एक रुपए के सिक्के बोल रखा है, 50 पैसे के बोल रखा है, 25 पैसे के। अगर ये रूल नहीं काम करे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे। आप देखो आपसे क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अगर मान लो कि हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60 है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हो 60 यूनिट बराबर 30। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 यूनिट बराबर 30। इस तरीके से हम सॉरी 3 यूनिट बराबर हमने किया 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1 यूनिट आप यहाँ से निकाल लोगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 20 हो गया। तो ये सबसे पहली बात, अगर 60 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के, तो ये कितने रुपए हमारे बन जाएंगे। तो ये हमारे कितने रुपए बन सकते हैं, तो 60 सिक्के रहेंगे तो हमारे बन जाएंगे 30 रुपीज़। अब उसी तरीके से आप 2 यूनिट निकालो, तो 2 यूनिट बराबर होता है 40। तो अगर हमारे पास ये 2 यूनिट आपका 1 रुपये के, तो ये कुल आपका 40 रुपीज़ हो गया, तो 40 30 70 हो गया। अब नेक्स्ट है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 × 2 = 20 = 80। अब 25 पैसा के 80 सिक्के रहेंगे, यानी हमारे पास 20 रुपये हो गए, तो 4 × 2 = 6 × 3 = 90 ही हो रहे हैं। तो ये हमारा नहीं सूटेबल कर रहा है, तो यानी कि इसका जस्ट डबल वाला सूटेबल करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इसे ट्राई करके। 1 रुपये के हमारे पास सिक्कों का अनुपात है 2, 3 और 4, इसे हमने नंबर मानना है। अब हमसे बोल रखा है क्या कि कुल रकम दे रखा है, बट हमने नंबर मांगा है, तो यहाँ से हमारे प्राइस मानना पड़ेगा। अगर 1 रुपये के हमारे पास 2 सिक्के हैं, तो 2 रुपये हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 1.5 रुपये हो गए। 25 पैसे के 4 सिक्के, यानी 1 रुपये। तो हमारे पास टोटल कितने रुपये हो गए, 2 × 3 × 4 4.5। 4.5 यूनिट बराबर हमारा दे रखा है 180। यहाँ से आप 1 यूनिट निकाल लो, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, तो 180 / 4.5। 0 हमारा ऊपर चला गया। अब हमने किया, तो ये आपका कितने टाइम जाएगा, तो 4 टाइम, तो आ गया 40। 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया 40। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 3 यूनिट के बारे में, तो 3 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया, तो 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।